के जौहर टाउन में धमाका हुआ और धमाके से घरों के शीशे टूट गए हैं। ताहाल धमाके की नौयत मालूम नहीं हो सकी और धमाके की जो वजह है वो भी मालूम नहीं हो सकी। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाका हुआ है और धमाके से घरों के शीशे टूट गए हैं और धमाके का सोर्स जो है वो ताहाल मालूम नहीं हो सका है। आपको बताएं कि लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाका हुआ है, धमाके से घरों के शीशे टूट गए हैं, धमाके की नौयत ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं, लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाका हुआ है, धमाके से घरों के शीशे भी टूट गए हैं। और इस वक्त आपको बता रहे चलें कि लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाका हुआ है, धमाके से घरों के शीशे टूट गए और लोगों में खौफ और हिरास भी फैल चुका है और लोग अपने घरों से बाहर आ गए हैं और घरों के शीशे भी टूट गए इस धमाके की वजह से। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में इस करीब एक घर के धमाका हुआ है और धमाके से घरों के शीशे भी टूट गए हैं। धमाके की अगर नौयत की बात की जाए तो इस हवाले से ताहाल मालूम नहीं हो सका है, तफसीलात नहीं मिली हैं। लाहौर के इलाका जौहर टाउन में धमाका हुआ है, धमाके से घरों के शीशे भी टूट गए हैं। लाहौर के इलाके जौहर टाउन है जहां पर धमाका हुआ है और धमाके से घरों के शीशे भी टूट गए हैं। लोगों में खौफ और हिरास फैल गया है, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और जो आसपास के घर थे उसके शीशे भी टूट गए हैं। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाका हुआ है और धमाके से घरों के शीशे टूट गए हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीनों और आसपास के लोगों में खौफ और हिरास फैल गया है और लोग अपने घरों और मार्केट्स और दुकानों से बाहर निकल आए हैं। और यहाँ पर आपको इंतहाई अफसोसनाक खबर देते चले, लाहौर के इलाके जौहर टाउन में जोरदार धमाका हुआ, धमाके के नतीजे में 3 अफराद जान बहक जबकि पुलिस अफसर समेत 17 अफराद जख्मी हो गए। आपको बताएं लाहौर के इलाके जौहर टाउन BOR सोसाइटी में ये जोरदार धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक धमाका इतना शदीद था कि करीबी घरों के शीशे टूट गए जबकि एक रक्षा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। करीब मौजूद मोटरसाइकिल्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा। आपको यहाँ ये भी बताएं, रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाके में जख्मी होने वाले अफराद को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिना अस्पताल के मेडिकल इंचार्ज के मुताबिक धमाके के जख्मियों के जिस्म में बॉल बेयरिंग भी मौजूद हैं। यहाँ पर आपको ये भी बताएं, धमाके की जगह पर मौजूद एक खातून का ये कहना है कि मोटरसाइकिल पर सवार अफराद 3 मरतबा चक्कर लगा कर गए और फिर मोटरसाइकिल में धमाका हो गया। दूसरी जानिब धमाके के एक और ऐनी शाहिद बुजुर्ग शहरी का ये कहना है, धमाका इतना शदीद था कि हमारा घर लरज उठा, ऐसा लगा कि जैसे जलजला आया हो। इसके अलावा आपको ये भी बताएं, वफाकी वज़ीर दाखला शेख रशीद ने जौहर टाउन लाहौर धमाके का नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। बम धमाका हुआ, ध्यान से दही दिया जिन घरों को नुकसान पहुंचा उन घरों के लोग सड़क पर हैं और पुलिस इस वक्त वहां पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है, आसपास के लोग डर और खौफ के आलम में घरों से बाहर निकले हुए हैं। धमाके का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आसपास के मकानों को काफ़ी शदीद नुकसान पहुंचा और कई अफराद जख्मी हुए हैं इस धमाके से। धमाका हाफिज सईद की रिहायशगाह के करीब हुआ है। सेफ्टी करने के लिए ये लोग हैं, ये कोई किसी के सिर पे सिर्फ चुगते मारते हैं।